उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने मुकालमा कैसे लिखना है। आपको सवाल नंबर 6 मुकालमा आता है और आपके साथ अनुदाद नबीसी आती है। आपने इनमें से कौन सा अटेम्प्ट करना है और आपके लिए कौन सा बेहतर है? मैं आपको बताऊंगा कि मुकालमा इसमें इन दोनों में से बेहतर है, क्योंकि मुकालमे से आपको इजी से 8 और 9 नंबर मिल जाते हैं, जबकि रुदाद आप जैसे भी लिख लो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 नंबर मिलते हैं, इससे ज़्यादा आपको नंबर नहीं मिलते। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने मुकालमा कैसे अटैम्प्ट करना है और कौन कौन से मुकालमे इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो में आपको सब मैं बताऊंगा। तो चले हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं कि आपने मुकालमा कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने लिखना है सवाल नंबर 6 का, जो कि हमारा मुकालमे को होता है। बाद में आपने लिखना मुकालमा नवीसी, बाद में आपने लिखना दो दोस्तों के दरमियान इसका अनुमान जो भी है, दो दोस्तों के दरमियान दहशत गर्दी पर मुकालमा, ठीक हो गया। बाद में आपने लिखना पसे मंजर, जो भी पसे मंजर हो वो दो आप पसे मंजर आपने लिख देना है। पसे मंजर आपने कुछ इस तरह लिखना, आपने इधर से थोड़ी सी वक्फा देकर इधर से आपने स्टार्ट करना है और आपने 3 लाइनों के दरमियान आपने पसे मंजर अपना लिखना है। 3 लाइनों के से ज़्यादा आपका पसे मंजर ना हो, अगर 3 लाइन से हो गया तो ये गड़बड़ भी आपके लिए हो सकती है। आगे हम चलते हैं, आपने ये लाइन छोड़नी है, ये लाइन छोड़ के आपने अगर अकरम आपने ये जो करेक्टर लेने ना, करेक्टर ये जो करेक्टर करदार आपने इसमें से लिखने हैं, वो आपने कोशिश करनी कि आप अपने से लेकर छोटे छोटे हों, बड़े ज़्यादा ना हों, ठीक हो गया। आपने बाद में अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपने आगाज़ जो भी मुकालमा आपने लिखना है आपने अस्सलाम वालेकुम का आगाज़ से लिखना है और आगे से ये आपने एक्सक्लेमेटरी का निशान ज़रूर लगाना है, ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम की गलती इसलिए कि यहाँ पर अलाम थोड़ा सा होना था, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो गया। आपने इसके बाद में आपने हाल पूछना उसका, क्या हाल है क्या नहीं, ठीक हो गया। अबे आगे आगे आप देखते जाएं, अपने से आपने मुकालमा लिखना, ये नहीं कि आपने कोई मुकालमा रटना, अगर आप रटने लगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप मुकालमा लिख सकें, आपको मुकालमे में अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है ना। आगे हम चल, अब मैं आपको ये भी साथ बताऊँगा कि आपके इस रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, कम आपकी रिक्वायरमेंट जो हो वो 3 सफ़ों की हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक हो गया। आपने मुकालमा अपनी तरफ से लिखना है, ये नहीं है आपने अगर से ये को आपने रट लिया मुकालमा आपने वही लिखना। और आपको से ये भी बताता जाऊँ कि आपने जो इसमें से इसमें आपने जो कौल लिखना या शेर लिखना, आपने ऐसे नहीं लिखना बकौल शायर, वो तुमने सुने लिखना है, वो तुमने सुना नहीं ये गरीब के लिए आपने, वो तुमने शेर भी आपने लिखना ना, वो आपने लिखना, वो क्या तुमने एक मशहूर शायर का सुना नहीं है शायर, शेर आपने ऐसे शेर लिखना है, ठीक है। आपने कम से कम भी एक मुकालमे में आपको 3 या 4 उससे रिलेटेड उसके रिलेटेड आपने ये हवाला जात लिखने हैं, क्योंकि ये इंप्रेशन उस चैकर पर जरूर पड़ता है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा नंबर देता है, इसलिए आपने 4 कम से कम भी 4 आपने इसमें से शेर लिख देने हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आप जो लाइन लिख रहे हैं ना मुकालमे में, इसके आपने बातें कितनी लिखनी, बातें आपने कम से कम भी 17 लिखनी है, एक दूसरे के दरमियान बातें जो हो रही हैं वो कम से कम भी आपने 17 लिखनी है, 16 या 17, 16 या 17 से ज़्यादा ना हो और 16 या 17 के दरमियान रहें इसमें से, क्योंकि आपको ये नंबर, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है मुकालमे की, अगर आप इतनी लिखोगे तो आपको नंबर 8 या 9 नंबर इजी से मिल जाएंगे। आगे आप देखते जाएँ, ये देखें मैंने अपने से लिखा हुआ मुकालमा, आप जैसे भी लिखे उन्होंने मुकालमा पढ़ना नहीं होता, उन्होंने वो देख रही उसका पता चल जाता है कि वो क्या है लड़का, क्यों नहीं कैसे लिख रहा मुकालमा। ये आप देखते हैं, यहाँ मैंने एंड किया है, एंड करके मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया, ये आपने इख्तितामी मंजर लिखना है, तफरी ख़त्म होती है और दोनों दोस्त अपनी क्लास की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये आपने कम से कम 2 लाइनों का लिख दें, आपने 2 लाइनों का यहाँ लिख देना, आपने यहाँ एंड कर देना है, आपने 3 सफहात से ज़्यादा नहीं लिखना, कि अगर आप 3 सफहात से ज़्यादा चले गए तो आपको इसका नंबर, इतने ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आपने मुकालमा अटैम्प्ट ही करना है, आपको मुकालमे में से इजी से नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि मुकालमा लिखना आपके लिए आसान होता है। आपने जो अकरम अली इनके दरमियान के आ गए, आपने डॉट ज़रूर लगाने, क्योंकि ये डॉट का मतलब होता है कि आप आगे से लाइन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये डॉट ज़रूर लिखने हैं, कोशिश करें कि ये जो करेक्टर हैं, ये जो करदार हैं, आप ये छोटे छोटे लें, छोटे नाम हो, बड़े नाम ना हो, क्योंकि बड़े नाम का कोई फ़ायदा नहीं, वो लिखने में आपको पेचीदगी होगी और आपको टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम वहाँ उर्दू के पेपर में आपको पता है कि टाइम बहुत ही थोड़ा होता है। ये भी एक साथ इंपॉर्टेंट बात बताते जाऊँ कि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मिडिल होते हैं स्टूडेंट्स, वो कहते हैं दो दोस्तों के दरमियान दहशत गर्दी पर हम तो पढ़ कर आए थे, वो आपको ये भी दे सकता है दो दोस्तों दो सहेलियों के दरमियान दहशत गर्दी पर मुकाबला, ये आपको ऐसे भी दे सकता है मुकाबला, आपको ऐसे भी मुकालमा दे सकता है, यानी कि वो आपको टाइटल चेंज कर दे सकता है। तो इसने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपने इसका ख्याल रखना है।
अब हम आप आगे हैं कि वीडियो के दूसरे हिस्से की जाना। अब आपको बताऊंगा कि आपके मुकालमे कौन से आपने इम्पोर्टेंट करने, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा इम्तिहान में आने का हैगा चांस, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुकालमा, ये मुकालमे तो हैं हमारे पास 63 43 या तकरीबन 63 के करीब। ये देखें, अब बंदा इतने मुकालमे कौन करे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट मुकालमे जिन्हें आपने करना है, और यही मेरे हिसाब से यही ज़्यादातर आते ही यही हैं आपके पेपर में। फॉल दो तालबे इलमों के दरमियान मुकालमा, जो इंपॉर्टेंट निशान लगे हो ना, इन्हें आपने मार कर लेना। ये देखें, ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं, आपने इसे मार कर लेना। कम से कम आपको आएंगे यही, आप देख लेना। आपको या आपका जो स्कूल का टेस्ट होता है या जो भी टेस्ट होता है, आपको यही मुकालमे आएंगे। जो जो मैंने टिक किए ना, ये टिक किए हुए, आपने यही करना। इनमें से इनसे बाहर आपको मुकालमा नहीं आता, ये मेरी गारंटी है आपको, ये मेरे स्टूडेंट की गारंटी है। ये देखो, आपने यही मुकालमे अटैम्प्ट उनके, आपने 3 से 4 शेर याद करने, क्योंकि अपने शेर को आपने हवाला याद के तौर पर आपने ज़रूर लिखने हैं, जो आपका इंप्रेशन पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आएगी हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे को चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मज़ीद वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि मेरी नई हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह मैं पेपर प्रेजेंटेशन भी अपने स्टूडेंट की तरफ से लाऊंगा, और ज़रूर लाऊंगा, ताकि आपने कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, कैसे आपने किन चीज़ों पर आपने फोकस रखना है, आपने उर्दू में से कैसे आप 80 से अबव आप नंबर ले सकते हैं। मोस्ट स्टूडेंट के आप नंबर आप 80 से अबव नहीं आते, क्योंकि वो बहुत सी मिस्टेक करते हैं। वो आप मिस्टेक इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी करूंगा। आपने मेरे चैनल पर रहना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।